लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा जा रही है, इंडिया गठबंधन आ रही है। 40 छोटी पार्टियों से गठबंधन कर चुनाव लड़ रही भाजपा 400 का सपना देख रही है जो पूरे नहीं होंगे। ये बात मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उमंग सिंघार ने कहा कि 19 राज्यों में संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव में 10-15% तक मतदान कम हुआ है, जिसने भाजपा की नींद उड़ा दी है। जनता मोदी जी के जुमलों से परेशान हो चुकी है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात हो या 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाते में जमा किए जाने की बात हो, यह सब जुमले ही साबित हुए। पिछले 10 वर्षों में देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई चरम पर है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां हम भाजपा से 29 ही सीटों पर बराबर की टक्कर देने की स्थिति में हैं। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मोबेल ने भी पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जिले में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है, जिसे रोकने के लिए रोजगार गारंटी योजना को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। शिक्षा के नाम पर गरीब युवाओं से जो खुली लूट की जा रही है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। धार जिला औद्योगिक क्षेत्र है, जहां इंसान की बेरोजगार को रोजगार न देते हुए बाहरी व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है और पिछले वर्षों में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। मेरा मानना है कि यदि प्रयास किया जाता तो स्थानीय बेरोजगारों को यहाँ के उद्योगों में सुगमता से रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते थे। उस प्लाइन को रोकने के लिए हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं, अदरणीय उमंग सिंघार जी ने इस बात को रखा है और मनेरा की रोजगार गारंटी का जो प्रतिदिन का मजदूरी है वो 400 रुपये देने की बात की है। क्या फार्म भरवाते हैं लेकिन एग्जाम होती नहीं है, और होती भी तो 2-3 साल के बाद होती है। और इसके लिए भी हमने बात रखी है कि हम कैसे उन छात्रों की जो मोटी फीस है उसको मन कर दे नहीं पाए। हमने ज़्यादा मोटी बात न करते हुए और वास्तविकता जो हम कर सकते हैं उसके लिए हमने बात रखी है कि हम एक साल में जो हम लोग हैं 30 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं और सबसे बड़ी बात तो के रूप में हम लोग कांग्रेस पार्टी फॉर्म भरेगी और उसी दिन सभा भी रहेगी, और उस सभा और रैली के अंदर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी और बाकी सब स्थानीय विधायक, और हम लोग सब वहाँ पर उस दिन उपस्थित रहेंगे। ये आपसे कहना, साथ में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी भी उस दिन रहेंगे, बाकी प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के वो भी रहेंगे। यही सबका आने का है जो संभावना मैं आपको बताना चाहता हूँ। आम सभा भी है, कुछ आम सभा भी रखी है रैली के बाद, कलेक्ट्रेट के बाहर अभिव्यक्ति की स्थल है वहाँ पर एक आम सभा रख के फिर फॉर्म नॉमिनेशन किया जाए। सभा है, देखिए जरूरत पड़ेगी तो आएंगे बिल्कुल, इसमें कोई किसी के लिए ना नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी के साथ हमारे सब जितने विधायक, ये भी राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब मजबूत विधायक हैं यहाँ पर, और आवश्यकता पड़ी तो हमारे नेताओं को उनको भी बुलाएंगे। ये कहना जीत के लिए 100% सब विधायक, जो जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में आप उत्साह ऊर्जा देख रहे हैं, बिल्कुल 100% हम लोग जीतेंगे। आने वाला चरण, ये चुनाव का चरण जो ये कितना महत्वपूर्ण है। देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में 19 राज्य में मतदान का प्रतिशत कम हुआ, तो चिंता का विषय उसके लिए। और भाजपा जा रही है, इंडिया गठबंधन आ रहा है, ये मैं कह सकता हूँ पहले चरण का ये रुझान है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।